खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के कार्यकाल के 8 साल का जश्न मनाने पहुंचेंगे। इसे लेकर हिमाचल में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। शिमला में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान पीएम मोदी हिमाचल के विकास से जुड़ी कई खास घोषणाएं कर सकते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आग्रह किया था। शनिवार को हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि मोदी सरकार के 8 सालों को सेलिब्रेट करने के लिए रैली का आयोजन होगा, जो कई मायनों में खास होगा। इसमें भारी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे और भाजपा की सफलता को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। वहीं सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ये कार्यक्रम हिमाचल के लिए सम्मान की बात होगी। बता दें कि हाल ही में बुधवार को सीएम जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी को हिमाचल आने का न्योता दिया था। साथ ही हिमाचल में 1,000 करोड़ की लागत वाले ड्रग फार्मा पार्क के लिए भी प्रस्ताव दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी इस कार्यक्रम के दौरान ड्रग पार्क और अन्य योजनाओं से जुड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। दरअसल एशिया की सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री सोलन के बद्दी नालागढ़ में स्थित है। यहां से देश विदेश में जाने वाली कुल दवाइयों का 45% उत्पाद होता है। ऐसे में हिमाचल सरकार चाहती है कि फार्मा पार्क के लिए हिमाचल सरकार को मंजूरी मिले। यदि ऐसा होता है तो करीब 10,000 लोगों को इसके जरिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। फिलहाल हिमाचल सरकार इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी सजग है और इसकी तैयारियों को लेकर रूपरेखा तैयार कर रही है। शिमला से कपिल भल्ला की रिपोर्ट।